हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक है कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है पोको का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायल पैड ओपन करना है एंड डायल पैड ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड आप रिसेंट या कॉन्टेक्ट किसी पे भी क्लिक करें। सो आप सॉरी फ्रेंड्स, रिसेंट फॉरवर्ड की 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपका ये अगर नॉट सॉरी फ्रेंड्स नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट, अब ये ऑन है तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होगा, अब ये ऑफ है तो आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर इस पर क्लिक करते हैं नेवर, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग होता है तो आपको डिलीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि 7 डेज बाद मेरा जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक, तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना तो आप कैंसिल करेंगे, नेवर पे क्लिक करके रखेंगे एंड इसे बैक करेंगे। पहले हम ऐसे देखेंगे, अगर किसी को कॉल करते हैं या फिर आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका इधर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। एंड मैंने वो ऑन नहीं करी इसलिए ऐसे नहीं आ रहा ऑप्शन। एंड अगर मैं दोबारा से 3 डॉट पे इसमें जाकर कॉल रिकॉर्डिंग भी क्लिक करते हैं उसे ऑन कर देती हूँ, तो फ्रेंड्स आप इसे बैक करके या फिर कॉल करती हूँ किसी को, तो फ्रेंड्स आपका जो कॉल तो हो जाएगा, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट इसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो फ्रेंड्स और थोड़ा टाइमिंग ले रहा है, देख सकते हैं। वैसे इसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग किया जाता है, अगर आपका नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बट मेरे कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड वैसे इसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग होता है एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तब तक है नमस्कार।